सीएस कंप्लीट हो गया इसका? यस। ओके प्लीज भेज दीजिए। सो हर्षित ढींगरा, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? माय नेम इज हर्षित ढींगरा, सरनेम टेकन फ्रॉम फादर। ओके। यस, माय नेम इज हर्षित। व्हेन डिड यू कंप्लीट योर सीएस? लास्ट महीने। लास्ट महीने, ओके। यू आर फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली। ओके, ओके। सो प्रीवियस यू डिड योर आर्टिकलशिप फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, इट्स लोकेटेड इन करोल बाग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? व्हाट डिड यू लर्न? व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड यू डू देयर? आई डू गुड वर्क। यू डू गुड वर्क? गुड वर्क, वेरी गुड वर्क। भाई इंग्लिश वगैरह नहीं आती क्या थोड़ी सी भी? I'll learn English very तेज, fast. Okay. तो फिर आपने लिखा है कि आप CS clear कर गए, but ऐसे English मतलब कैसे? I know no English. You know no English. I know. You know no. No English. I know. Secretary, ये किसको भेजा है तुमने ऐसे इंसान को? How did you pass CS? CS pass कैसे हो गया तुम? I write the exams. They give me marks. I got pass. एक मिनट, आपने पीछे कुछ लिखा भी है ना यार? इनका हैंडराइटिंग अच्छा, मतलब रिटन इंग्लिश तो ठीक है, तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो? रट्टा दा रिटन इंग्लिश। ओके, मतलब आई कैन अकेडमी से क्लास नहीं किया। एनीवे, सो हर्षित देखो यार, एक चीज, मैं भी सीएस हूँ, एक चीज, एंड बी कंफर्टेबल। देखो, हम कंपनी सेक्रेटरी को मानते हैं फेस ऑफ द कंपनी, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि अगर अपनी इंग्लिश अच्छी ना हो, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है अभी, सो इंग्लिश अगर अपनी अच्छी ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो एग्जाम पास हो सकते हैं क्योंकि अपने को लिखना होता है डेफिनेटली। लेकिन हर्षित, चूंकि अब आई डोंट थिंक सो कि आपके पुराने वाले जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे आपको ये बताया गया, बट हर्षित देखिए एक ही चीज याद रखिए, इंग्लिश इंप्रूव करना आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आप लिख सकते हो इसका मतलब आप बोल भी सकते हो, बट प्रॉब्लम ये आ रही है हर्षित कि आपके जो जॉज है ना ये खुले नहीं है। हो सकता है आपका ग्रामेटिकल, बट आपका तो ग्रामेटिकल ग्रामर भी बहुत बुरी तरह से पंचर है, बट ठीक है आप पास हुए, मतलब आप डिजर्विंग तो हो, क्योंकि जो एग्जाम 100 में से 5 या 6 या 10 लोग काम पास करते हैं, मतलब आपके अंदर टैलेंट तो है, बट यार कंपनी सेक्रेटरी ना कंपनी का फेस होता है, तो आपको आगे जाके कॉर्पोरेट में अगर आपको ग्रो करना है तो प्लीज कभी भी, आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इंग्लिश को एक बाधा मत आने दो आपके करियर के ग्रोथ में। सो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, जो टेक्निक आप रोज ना 5 से 6 मिनट यूज करोगे, आप उसके बाद वापस देखो, अभी तो मैं आपको जॉब नहीं दे सकता क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी और आप ना दिल्ली वाले और आप साउथ इंडियन एक्सेंट बोल रहे हो, बट स्टिल फादर फ्रॉम साउथ मदर फ्रॉम नॉर्थ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम घुस जाओगे, ठीक है? तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप प्रांजल एक काम करना, इनका इंटरव्यू वापस से 2 महीने के बाद स्केड्यूल करो। मैं आपको जॉब डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग यू द जॉब, यू विल गेट द जॉब, बट यू शुड यू नो, आपको कुछ तो चीजें आनी चाहिए। सो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ, आप ये तरीका सिर्फ मेरे ख्याल से 15-20 दिन महीने भर फॉलो करो। सो जब समझ लो मेरे पास सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया, उसका मैंने एडिटोरियल खोला, ठीक है? मैं सुबह सुबह, जैसे मेरी इंग्लिश खराब थी तो मैं टेरिस पे चल रहा, एडिटोरियल मतलब संपादकीय। तो आपको सिर्फ जैसे ये अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, तो आपको पढ़ना कैसे, और जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे रुक जाओ, जहां पे कॉमा है वहां पे ब्रेक दो, ठीक है? इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल इनकम, ऐसे आपको पढ़ना है, आपको मुंह खोल खोल के अपने बराबर अपने मुंह को सही जगह पे खोलना है। डिस्प्यूटेड टाइटल टू इनकम डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। अब यहां पे फुल स्टॉप है, मैं रुक गया। वन कैन नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। डायवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज नॉट टैक्सेबल, कॉमा है मैं रुका, व्हाइल एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज टैक्सेबल, इनकम शुड बी रियल एंड नॉट। Did you understand? एक बार मुझे पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे आप? Income also includes illegal income. Disputed title to income does not make any difference. Okay, better है। तो प्लीज आप ऐसा रोज 15-15 मिनट करो, रोज, देखिए खाली टाइम है, और मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट भी मत करो, 5 मिनट करो, जब
इनफैक्ट मैं आपके थ्रू अगर ये कहीं से ये चीज में मैं बोल सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि हर एक सीएस के स्टूडेंट को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद यार हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरा भी कम्युनिकेशन वीक था। जब मैं रिलायंस इंडस्ट्री, जब मैं अपनी पहली आर्टिकलशिप करने गया, तब मुझे पिछवाड़े पे लात पड़ी, इंग्लिश ना आने के चलते मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई। तो फिर मैंने सीखा, उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, तो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, ग्रामर सीखी। तो आप लोग अभी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सो मिलते हैं 2 महीने के बाद, दरवाजा उधर है। थैंक यू।